आज सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में हो रहा है टू मच ड्रामा। रवीना करीना को मिली है उनके कारनामों की सजा। घर में गूंजी है गुरु माँ के चांटों की गूंज। एक्चुअली हुआ क्या है कि बड़ी गुरु माँ रवीना और करीना को घर से चोरी चुपके पैसों का बैग ले जाते पकड़ लेती है, जिसके बाद शुरू होती है तीनों के बीच बहस। हंगामे की आवाज सुनकर बाकी किन्नर भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और फिर गुरु माँ देती है रवीना और करीना को उनकी इस हरकत की सजा। आइए अब जरा गुरु माँ साया से ही जानते हैं कि आज यहाँ क्या सीन चल रहा है। आज एक कांड होता है तो वो आपस में झगड़े वाली नौबत पर पहुँच जाती हैं रवीना करीना और एक गुरु माँ हमारी, तो पर्दाफाश हो जाता है। तो पहले तो वो गुरु माँ के की इज्जत के लिए करीना रवीना को डांटती हैं कि ये क्या है बदतमीजी, तो इसलिए करीना रवीना के ऊपर वो थोड़ा गुस्सा हो ही जाती है साया, तो उसको पता है कि ये दोनों नालायक हैं। तो उसके बाद फिर जब पर्दाफाश हो जाता है तो नेचुरली गुस्सा होना गुरु माता के ऊपर भी थोड़ा सा जायज हो जाता है। खुद को फंसता देख रवीना और करीना भी चुप नहीं रहती, वो भी खोल देती हैं बड़ी गुरु माँ की पोल। सौम्या और हरमन के बीच खड़ी की गई शर्तों की दीवार गिरा दी जाती है। बिल्कुल, अब शर्त का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब जो इंसान शर्त रखता है अगर उनके ख्यालात ही इतने गिरे हुए हैं या वही इतने ग्रीडी हो जाते हैं तो फिर बात तो वही आ जाती है कि हम किसी के ऊपर क्या उंगली उठा सकते हैं। गुरु माँ, आपने सभी शर्तें कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है, तो सौम्या और हरमन के लिए आपको आज कैसा लग रहा है? नेचुरली देखो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वो हमारी एक गुरु माता ने जैसा बोया वैसा काट लिया। उसको इसलिए आरोपों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने वो चीजें की हैं। दूसरी बात रही हरमन और तराना की, अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनकी जिंदगी है, आजाद जिंदगी है, वो जैसे चाहे जी सकते हैं। क्योंकि साया तो यही चाहती थी ना, अगर उसे अपनी बेटी मानती है तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बेटी खुश ना रहे। फाइनली अब शर्तों की वो दीवार गिर गई है जिसकी वजह से हरमन और सौम्या को एक के बाद एक इम्तिहान देने पड़ रहे थे। अब देखना ये है कि अपना मास्टर प्लान फेल होने के बाद प्रीतो का अगला कदम क्या होगा। पूजा तिवारी, E24।